अजीज दोस्तों, आज का वाकया हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी का एक बहुत ही प्यारा और रुला देने वाला वाकया है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के लखते जिगर और हजरत अली की शरीक हयात और जन्नती जवानों के सरदार हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की माँ है। उनसे इंस्पायर होकर दुनिया की तमाम औरतें दीन और दुनिया को गुलजार बना सकती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला आनो के घर में सबने रोजा रखा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला आनो ने भी रोजा रखा। दो बच्चे हैं उनके जो अभी छोटे हैं, पर उन्होंने भी रोजा रखा हुआ है। मगरिब का वक्त होने वाला है, इफ्तारी का वक्त होने वाला है। सबके सब मुसल्ला बिछाकर रो रो कर दुआ मांगते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला आनो दुआ ख़त्म करके घर में गईं और चार रोटी बनाई, इससे ज़्यादा उनके घर में अनाज नहीं है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला आनो चार रोटी लाती हैं, पहली रोटी अपने शोहर हजरत अली के सामने रख दी, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हजरत हसन के सामने रख दी, तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हजरत हुसैन के सामने रख दी और एक रोटी खुद रख ली। मस्जिद नबी में अजान हो गई, सब ने रोज़ा खोला, सब ने रोटी खाई। मगर दोस्तों, अल्लाह की कसम वो फातिमा रजी अल्लाह ताला आना थी जिसने आधी रोटी खाई और आधी रोटी को दुपट्टे में बांधना शुरू कर दिया। ये मामला हजरत अली रजी अल्लाह ताला आनों ने देखा और कहा कि ए फातिमा, क्या आपको भूख नहीं है? एक ही तो रोटी है, उसमें से आधी रोटी दुपट्टे में बांध रही हो। हजरत फातिमा ने कहा, ए हजरत अली, हो सकता है मेरे बाबा जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में कुछ ना मिला हो, वो बेटी कैसे खाएगी जिसके बाप ने कुछ खाया नहीं होगा। हजरत फातिमा दुपट्टे में रोटी बांधकर चल पड़ी हैं। उधर हमारे नबी मगरिब की नमाज पढ़ाकर आ रहे हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला आनु दरवाजे पर हैं, देखकर हुजूर कहते हैं, ए फातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? फातिमा ने कहा, अल्लाह के रसूल मुझे अंदर तो लेके चले। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू थे, कहा कि जब इफ्तार की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए आधी रोटी दुपट्टे से बांध कर लाई हूँ। रोटी देखकर हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, ए फातिमा, अच्छा किया जो रोटी ले आई, वरना आज चौथी रात भी तेरे बाबा की इसी हालत में निकल जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने रोटी मांगी तो हजरत फातिमा ने कहा, बाबा जान, आज अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी। और उन्होंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगी। रोटी ख़त्म हो गई तो हजरत फातिमा रोने लगती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और कहा कि ए फातिमा, अब क्यों रोती हो? कहा कि अब्बा जान, कल क्या होगा? कल कौन खिलाने आएगा? क्या कल मेरे घर में चूल्हा जलेगा? कल क्या आपके घर में चूल्हा जलेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना प्यारा हाथ फातिमा के सर पर रखा और कहा कि फातिमा, तू भी सब्र कर ले और मैं भी सब्र करता हूँ। हमारे सब्र से अल्लाह उम्मत के गुनाहगारों के गुनाह माफ़ करेगा। अल्लाहु अकबर। ये होती है मोहब्बत जो नबी को हमसे थी, उम्मत से थी, और ये गुनाहगार उम्मत हम ही हैं जिनके लिए हमारे नबी भूखे रहे, नबी की बेटी भूखी रही, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए। कल कयामत के दिन मैं और आप क्या जवाब देंगे? हजरत फातिमा नबी पाक की सबसे छोटी साहबजादी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे बेहद मोहब्बत थी। आपके आने पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फौरन खड़े हो जाते, आपकी पेशानी चूमकर अपने मसनत पर बिठाते।
उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैंने उठने बैठने चाल ढाल और बर्ताव में फातिमा से बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशावा किसी को नहीं देखा। मशहूर है कि आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम नहीं आए बल्कि खुद रब्बे ज़ुलज़लाल के हुक्म से आपकी रूह कब्ज़ हुई। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी नमाज के क़याम में होती और रात गुजर जाती, कभी रुकू में और कभी एक ही सजदे में सारी रात निकल जाती। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, ए मौला, तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई हैं कि फातिमा दिल खोलकर इबादत भी नहीं कर पाती। आप एक ही वक्त में हाथों से आटा गूंदती, जबान से कुरान पढ़ती, दिल में उसकी तफसीर करती, पैरों से हसनैन का झूला झुलाती और आंखों से खुदा की याद में रोती। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा मेरे गोश्त का एक टुकड़ा है, तो जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया और जिसने उसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। इसीलिए फातिमा के निकाह में रहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मौला अली पर दूसरा निकाह हराम फरमा दिया था। जिस तरह हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती जवानों के सरदार हैं, उसी तरह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम जन्नती ख़वातीनों के सरदार हैं। एक मरतबा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप किसको ज़्यादा महबूब रखते हैं, मुझे या फातिमा को? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक फातिमा मुझे तुमसे ज़्यादा महबूब है और तुम मेरे नज़दीक उनसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले हो। आप इंसानी शक्ल में हूर थी, इसीलिए आपको कभी हैज़ नहीं आया और बच्चा होने के बाद भी फौरन आप निफास से पाक हो जाती थी, इसीलिए आपका लकब ज़ुहरा हुआ। खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला आन्हा, विसाल से पहले आपने हज़रत अस्मा बिन केस जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हैं उनसे फरमाया कि मर्दों की तरह औरतों का जनाजा ले जाना मुझे पसंद नहीं, तो आपके लिए एक लकड़ी का गहवारा बनाया गया और उस पर पर्दा डालकर आपको दिखाया गया, जिसे देखकर आप बहुत खुश हुई। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये था प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा वाक़िया। दोस्तों, इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और वाक़िया पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें।